Good morning, students. Myself, Professor Anil Kumar, and today we will be covering the topics of SDLC. In the earlier classes, we have discussed about the different steps that are involved in SDLC in general form. Today, we will discuss the contents as per the book. So let's start. So first, I'll mention the formal steps that we follow in a SDLC. I will discuss one by one. So today we will be discussing one or two steps, or maybe three. And on the daily basis, I'll cover up the steps of SDLC. So the first step is, as per the formal steps, we say the first step is preliminary investigation. Preliminary investigation, and then the second step is feasibility analysis. So the general steps that we studied in the last class was requirement. सबसे पहले हम requirement देखते हैं, then हम feasibility study करते हैं, then we do analysis, then we do design, then coding, then implement. Coding के बाद आपकी testing आती है, उसके बाद implementing, implementation, and last is maintenance. तो ये हमने general जो है last class में study किया था. तो आज हम जो है formal steps के बारे में देख रहे हैं. तो पहला formal step क्या है? Preliminary investigation, then feasibility analysis, then system investigation. The fourth one is system analysis. Fifth step is system design. The sixth is development of system. The seventh one is testing, system testing. The eighth is implementation, and the ninth is evaluation and maintenance. तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने नाइन स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द दी स्टेप्स दैट वी वर स्टडीड इन जनरल. So today we will discuss, we will start with the preliminary investigation, then we will move on to the feasibility analysis, and then the system investigation. I'll try to cover these three topics today. So the first, let's start with the preliminary investigation. A preliminary investigation mein kya hota hai ki aapka jo customer hai wo aapke paas aata hai ki use kuch problem hai. So this is the first step. So this is the first step. तो आपका जो यूज़र है वो आपको एक रिक्वेस्ट रेज करता है टू आइदर चेंज, मॉडिफाई, एनहांस, इम्प्रूव अ सिस्टम. ठीक है, आपका जो यूज़र है वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि आपने कोई चेंज करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, एनहांसमेंट करनी है, या उसने कुछ इंप्रूवमेंट करनी है अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है. तो यूजर क्या करता है? यूजर करता है आपको इनवाइट, एक किस्म से कि आप क्या करोगे, इनवाइट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम. उसने तो कह दिया कि मुझे अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस करानी है, कुछ मॉडिफिकेशन करानी है, कुछ एनहांसमेंट करानी है, इंप्रूवमेंट्स करानी है. उन इम्प्रूवमेंट्स, जो भी आपने इन्हांसमेंट, चेंजेस या इम्प्रूवमेंट करनी है, वो किसी प्रॉब्लम के बेस पे करोगे. तो इट मीन्स ही इज़ एक्चुअली इनवाइटिंग यू टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम. वो आपको इनवाइट करता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को जो ढूंढो. तो अब जो सिस्टम एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है जो एनालिसिस करेगा, वो क्या करता है, आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करता है. ही डिफाइंस द प्रॉब्लम.
डिफाइन प्रॉब्लम मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था कि वो यूज़र तो बोलेगा मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट ही हैज़। तो उसको एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में भी सिस्टम एनालिस्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन कर देता है और उसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाता है, उसको लिख लेता है। अब लिखते क्यों है, ताकि वो बार बार चेंज ना हो। तो हम एक रिटर्न स्टेटमेंट में जो लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि स्टेटमेंट क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम करना क्या चाहते हैं, कहाँ तक उसका स्कोप है। जैसे अगर हम कोई भी सोल्यूशन की बात करें तो उसका स्कोप होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में काम आएगा, आपका सॉफ्टवेयर या आपका एजुकेशन में काम आएगा, या आपका मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, तो उसका स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिव कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा कि वो करना क्या चाहते हो आप उस सॉफ्टवेयर से, आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो अब इसमें जो है सिस्टम वो डिफाइन, सिस्टम एनालिस्ट जो है वो आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन कर देता है और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं या क्यों हो सकती हैं। जैसे आपका जो ऑलरेडी आपका जो सिस्टम है वो स्लो काम करता है, या उसमें कुछ एरर्स आते हैं, या वो आपका जो वर्कलोड है उसको मैनेज नहीं कर पाता, या उसमें कुछ फीचर्स नहीं हैं, या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ जो है रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के एट द एंड ऑफ द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता क्या है कि सिस्टम एनालिस्ट जो है आपको प्रॉब्लम को डिफाइन कर देता है, आपकी प्रॉब्लम के कुछ रीजंस हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को वो आपको लिख के देता है और बता देता है कि आप करना क्या चाहते हो और उसका स्कोप क्या है। उसके बाद आता है आपका फीजिबिलिटी एनालिसिस। अब फीजिबिलिटी एनालिसिस में क्या है कि जो आपका सिस्टम एनालिस्ट है, जो एनालिस्ट है, इट लुक्स फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, लुक्स फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन या वेरियस अल्टरनेट्स आप कह सकते हो। कि आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करके दे दी अब कस्टमर को, अब आप क्या चाहते हो कि उसको आप पॉसिबल सॉल्यूशंस भी बताओ कि ये इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, आप पॉसिबल सॉल्यूशन उसको देते हो, या आप उसके वेरियस अल्टरनेट्स बताते हो कि अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप इस ढंग से कर सकते हो। सो इसमें क्या है, हम वी थॉरली एग्जाम्स द सिस्टम इन्वेस्टिगेशन स्टेज, हम इसको थॉरली एग्जामिन करते हैं एंड देन वी एश्योर द अल्टरनेटिव सिस्टम कि आपको अल्टरनेटिव सिस्टम बता देंगे कि ये सॉल्यूशन हो सकता है और सबसे फिजिबल कौन सा है, सबसे आपके लिए जो आपके लायक कौन सा है, वो आप हम जो है यूज़र को जो है वो बता देते हैं, ठीक है। वी प्रपोज द फिजिबल, जैसे आप किसी दुकान पे जाओ, आपने को सामान खरीदना, तो वो आपको सारी पहले अलमीराज दिखा देगा, ये हमारे आपने अलमीरा को खरीदना है तो वो बता देगा ये अलमीरा है, इस अलमीरा के अलावा ये आप ये भी करा सकते हो, ये भी करा सकते हो, इसमें ये फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको बता देगा। उसके बाद फिर भी आपको फिजिबल बताएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये वाला जो है आपको सबसे सूट करेगा, सबसे ज़्यादा जो ये वाली आपको सूट करेगी। तो वो होता है आपका प्रपोज द फिजिबल सॉल्यूशन, वो आपको फिजिबल सॉल्यूशन जो वो भी प्रपोज साथ में कर देते हैं, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद हम जो हैं वो क्या देखते हैं, या हम फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के दौरान हम देखते क्या हैं कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो उनकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी जो डेवलपमेंट हो सकती भी है, आप कोई ऐसा सॉल्यूशन दे दो जो बन ही नहीं सकता, तो उसकी डेवलपमेंट भी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसमें रिस्क क्या क्या रहेगा, ठीक है। अगर आपने सामान आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया तो उसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। और आपका जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो सॉल्व करने लायक भी थी या नहीं थी, ठीक है, कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना वर्थ भी था या आपकी वेस्टेज ऑफ मनी थी। तो जब आप फिजिबिलिटी एनालिसिस करके उसको बता देते हो तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका यूज़र है वो डिसीजन तो नहीं ले सकता, उसके कौन होती है ऊपर, मैनेजमेंट होती है। तो यूज़र मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं बाज़ार में, तो हमने कोई सामान खरीदना है तो पहले तो वो हमें बता देगा कि ये सामान अवेलेबल है। जैसे अलमीरा की हमने बात की तो उसने बोल दिया ये अलमीरा आपको सूट करती है। अगर तो आप डिसीजन मेक करो ऑन द स्पॉट, फिर तो आप बोल दोगे मैं खरीद लूँगा, अदरवाइज़ आप क्या बोलोगे मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई मैनेजमेंट बैठी होती है। इसी तरह यहाँ पर जो यूज़र है वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता इस सोल्यूशन को, सोल्यूशन को एक्सेप्ट कौन करेगी, मैनेजमेंट। तो वो क्या करता है इस फिजिबल सोल्यूशन को किसको बताता है, मैनेजमेंट को बताता है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है वो पूरे प्रॉब्लम के ओवरव्यू को देखती है कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी और
उनका जो फिजिबल सोल्यूशन क्या हमें मिला है और हम इस सोल्यूशन को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। आपने को सॉफ्टवेयर बता दिया कॉलेज को कि कॉलेज वाले जो है ये आप सॉफ्टवेयर ले लो ये 10 लाख का है, अब तो कॉलेज की मैनेजमेंट बोलेगी कि हमें इतने पैसे हमें खर्चने नहीं है, तो इट मीन्स वो एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है। ठीक है, तो वंस फिजिबिलिटी स्टडी इज डन उसके बाद ही आपका जो एक्चुअल सिस्टम का जो काम सिस्टम एनालिस्ट का जो है वो काम शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है आपका मैनेजमेंट ये चीज़ें पहले देखेगी, उसके बेस पे वो डिसीजन देगी कि आपको ये काम करना है या नहीं करना। उसके अलावा फिजिबिलिटी एनालिसिस की कुछ टाइप्स भी होती हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी जब हम करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें की क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले आती है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी का क्या मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में हर एक में कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि आपका पहले ये वाला लेवल है, फिर उसके बाद ऊपर वाला लेवल है, उसके बाद ऊपर कोई और लेवल है। ठीक है, तो जो इम्प्लॉयज़ होता है उनका बिहेवियर लेवल वाइज होता है। ठीक है, कि पहले लेवल वाले ऐसा बिहेव करेंगे, सेकंड लेवल वाले ऐसा बिहेव करेंगे, थर्ड लेवल वाले ऐसा बिहेव करेंगे। तो अगर आपने कोई उनको ऐसा सोल्यूशन दे दिया कि उनका जो बेसिक काम है वही अगर उल्टा सीधा हो गया, उसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई, तो वो जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी भी उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद आती है इकोनॉमिक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। हम खर्चा कर रहे हैं 10 लाख का और उसकी जो आउटपुट आ रही है वो सारी आ रही 1 लाख की, तो मतलब वो फिजिबल ही नहीं है मेरे लिए। इकोनॉमिक मतलब जितना हम खर्चा कर रहे हैं, यूज़र जितना खर्चा कर रहा है उसको उतना रिटर्न उसका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो कॉस्ट रिटर्न्स को हम इवेल्यूएट करते हैं। वी इवेल्यूएट, इवेल्यूएट होता है जांच पड़ताल करनी, इवेल्यूएट आप करते हो कॉस्ट कितना आप खर्चा कर रहे हो उसके आपको रिटर्न क्या मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। उसके बाद हम उनको बताते हैं टेक्निकल टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी का क्या मतलब, अल्टीमेटली आप बेच तो एक सॉफ्टवेयर ही रहे हो, आपको सिस्टम ही तैयार करके दे रहे हो, अब उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, या हो सकता है आपको कोई स्पेशल इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हो। तो आपने सामान उनको दे दिया, आप बोलोगे कि अगर ये सामान आपको चलाना है तो आपको लीज लाइन कनेक्शन लेना पड़ेगा जिसकी आपको साल की जो 2 लाख कॉस्ट पड़ेगी, तो वो अब स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसको स्पेशल फिजिबिलिटी टेक्निकली भी बताते हो कि आपके पास ये कंप्यूटर्स पड़े हैं ये यूज़ में आएंगे या नहीं आएंगे, आपको नए कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे या आपके एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स में ही काम हो जाएगा। तो वो आप टेक्निकली सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकली जो कुछ ज़रूरतें हैं जो कुछ फिजिबिलिटी है वो भी आप फिजिबिलिटी एनालिसिस में उसको बताते हो। ठीक है, यूज़र को बताते हो। उसके बाद ऑपरेशनल ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का क्या मतलब है कि सिस्टम जब अभी आपने सिस्टम उसको डेवलप करना है, ठीक है, तो जब आप डेवलप करोगे तब तक उनका काम कैसे चलेगा, जो एग्जिस्टिंग काम है वो कैसा चलता रहेगा, और जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो उनका पिछला काम, जैसे अभी आप किसी कॉलेज में आप मान लो सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, तो कॉलेज वाले ऑलरेडी तो वो काम करते ही हैं, सारे वो रजिस्टर्स में काम करते हैं, तो जब आप उनको नया सिस्टम दोगे तो वो क्या रजिस्टर्स को भी फॉलो करेंगे और नए को भी फॉलो करेंगे, या जब तक वो इंस्टॉल करेंगे तब तक वो जो कॉलेज वाले वो एग्जिस्टिंग काम रजिस्टर्स पे ही करते रहेंगे, जब आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो गया तो क्या रजिस्टर्स वाला काम आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएगा या वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर पे और जो पुराना रिकॉर्ड है वो आपको रजिस्टर्स से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि आपके ऑपरेशंस के ऊपर क्या चेंजेस होंगी जब आपका सिस्टम आएगा, तो वो चीज़ें भी हमें नोट करनी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। जैसे इट एग्जामिन्स द सिस्टम ऑपरेशन वाइल डेवलपिंग एंड इंस्टॉलिंग द सिस्टम। नॉर्मली होता क्या है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, और जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलेशन भी ऐसे नहीं होती कि आप एक दिन में सिस्टम को इंस्टॉल करके चले जाओगे, जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे एक आधा महीना एक आधा हफ्ता भी करेंगे, कई बार सॉफ्टवेयर इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 2-2 महीने में आप एकदम सारे के सारे को इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने मारुति सुजुकी का कोई नया सॉफ्टवेयर बना दिया, तो मारुति सुजुकी के जो बहुत ज़्यादा उसके जो ब्रांचेस हैं तो सभी ब्रांचेस में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उनको टाइम लगेगा, उसको फेज इन पीरियड बोलते हैं कि आपको फेज वो बहुत लंबा होता है, तो उस दौरान वो अपना जो करंट ऑपरेशन है वो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम ऑपरेशन फिजिबिलिटी में बताते हैं। उसके बाद होती है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी का मतलब जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके कानूनी कुछ रूल्स हैं, कानून के दायरे में रह के ही आप लॉ के दायरे में रह के ही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
ठीक है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के कुछ लॉज होते हैं कि आप जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारे लिए है। तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि ये सिस्टम आपका ये चीज़ें कैप्चर करेगा तो ये लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। इसी तरह कुछ अलग होती हैं, एक होती है जैसे स्केड्यूल फिजिबिलिटी। स्केड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि द सिस्टम फिनिशेस इट टास्क विद इन द प्रोवाइडेड टाइम और डेवलपमेंट और नॉट, कि आपने सिस्टम बोला कि इतने टाइम में बन जाएगा जी, वो उतने टाइम में बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा या नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तो वो शेड्यूल भी फिजिबिलिटी आप साथ में देते हो, ठीक है, कि हम ये सिस्टम को इस टाइम से तैयार करना शुरू करेंगे और तब तक हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको ये फिजिबिलिटीज भी जो है वह देखनी पड़ती हैं। अब जो लास्ट हम इसका स्टेप टू आज देखेंगे वो है आपका सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। अब जब फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, फिजिबिलिटी जब आपकी स्टडी हो गई तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो सिस्टम एनालिस्ट को बता देती है कि हाँ हमें ये सॉफ्टवेयर बनवाना है या नहीं बनवाना है, हो सकता है वो उसमें कुछ चेंजेस करवाएं। तो वो सारी चेंजेस होने के बाद जो है आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वैसे तो उसको SRS बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में, पर यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि जब आपकी फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है तो आपकी मैनेजमेंट तैयार है आपके सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए। अब जो प्रॉब्लम्स आपने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई की थी, सिस्टम एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई की थी, आप यहाँ पे भी सिस्टम एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो, तो जो सिस्टम एनालिस्ट ने वहाँ पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी या उसने जो ऑपरेशंस वहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे कि आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह काम करती है, तो वो सारी चीज़ों को आपको जो है अभी खुद इन्वेस्टिगेट जाके जो है वो करना होगा, ठीक है, आपको खुद जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि द फर्स्ट स्टेप जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में था, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके बाद आप इवेल्यूएट की प्रोजेक्ट की जो रिक्वेस्ट होती है उनको इवेल्यूएट कर देते हो। तो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आप बिल्कुल क्लैरिटी ले आते हो, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट वर्ड कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपके प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वेस्ट हैं, आपके क्लैरिटी इन प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट कि आपके सॉफ्टवेयर की क्या क्या वो डिमांड कर रहे हैं, आपका जो यूज़र है, ठीक है, आपका साइज़ क्या बनेगा प्रोजेक्ट का, वो उनको सभी का सारा पता होना चाहिए इस पोजीशन पे। इनको भी, क्योंकि आप भी तो एक किस्म की काम ही कर रहे हो, आपको भी तो कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर आप बेच रहे हो 2 लाख में और आपको जो काम करना पड़ा है वो करना पड़ा 4 लाख का, तो आपको भी नुकसान है, तो आप क्या करोगे, आप भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होता है कि आपका जो मैनेजमेंट है जो सॉफ्टवेयर बनवा रही है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट किया है, वो आपको पता होता है इस स्टेज तक, ठीक है, तो ये आपको पहले पता होता है, ये चीज़ें आपने जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास नॉर्मली जो है ये 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन कि आपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले इन्वेस्टिगेशन तो आपको करनी है, इसके आगे 3 मेथड है, बेसिकली 4 नहीं है, बेसिकली इसके 3 मेथड है। तो पहला क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, दूसरा आपने ऑन साइट जाना होता है, तीसरा आपने इंटरव्यूज लेने होते हैं। अब हर एक के अलग अलग फायदे हैं, हर एक के अलग अलग नुकसान है। अब डॉक्यूमेंट्स चेक करने का क्या मतलब है, जैसे मैं कॉलेज की एग्जांपल ही ले रहा हूँ क्योंकि आप सभी इसे यूज टू होते हो, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप क्या करते हो, आप जो ऑफिस में चले जाते हो, एडमिन स्टाफ में चले जाते हो, वहाँ पे सारे रजिस्टर देख लेते हो, रजिस्टर में आपको पता चल जाता है कि आपका एडमिशन कैसे होता है, जैसा आपके यूज़र ने पहले आपको बताया था, क्लर्क ने बताया था, वैसे ही होता है या कोई और सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, आप एडमिशन कैसे लेते हो, उसके बाद उसका रोल नंबर टीचर के पास कैसे जाता है, टीचर उसकी अटेंडेंस कैसे लगाता है, कितनी परसेंट अटेंडेंस चाहिए, कितनी उसको स्टार्टिंग में फ़ीस जमा करनी पड़ती है, कितनी उसको एग्ज़ाम से पहले देनी पड़ती है, जब टीचर उसकी अटेंडेंस लगाता है तो इतनी अटेंडेंस अगर होगी तब वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भेजता है कि इसकी इतनी अटेंडेंस होगी, आप इसका जो है नाम फर्दर यूनिवर्सिटी को भेज दो ताकि ये एग्ज़ाम दे सके। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको डेट शीट मिलती है, तो वो डेट शीट किस तरह बनती है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस हिसाब से आपको डेट शीट सेट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या देखते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें जो पढ़ लेते हो,
अब जो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना और उसको समझना वो जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यू ट्राई टू नो द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे चलती है। अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास जाता है, अगर टीचर को प्रॉब्लम आती है वो किसके पास जाता है, अगर प्रिंसिपल को आती है तो वो किसके पास जाता है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और उसके प्रोसीजर्स, मेनली आप ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स, जितने भी उसके चार्ट्स हैं, चार्ट्स मतलब टीचर स्टूडेंट प्रिंसिपल ऐसे सारा, उसके बाद उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस, जैसे एडमिशंस की बात की हमने, एग्जामिनेशन की बात की, रिजल्ट की ऐसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यूज़, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ का क्यों करते हो, आपने डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले पढ़ ली, अब आप उसको वेरीफाई करोगे, पहले आप पूछ के वेरीफाई करोगे कि आपने क्लर्क को बुला लिया, टीचर को बुला लिया कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स में स्टडी किया, आपको जो भी डाउट्स होंगे आप उनसे क्लियर करोगे, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट बता दोगे, उनको बता दोगे कि हमने ये काम दिया गया है, हमने ये काम करना है, तो आप जो है हमें ये बता दो कि ये काम कैसे होता है, आप उनसे जो डिटेल में इंटरव्यू कर लोगे, क्योंकि इंटरव्यू बाई, अगर वैसे सिंपल सी बात है, बुक से पढ़ के समझना जो, या डॉक्यूमेंट से पढ़ के समझना हो सकता है मुश्किल है, बट उसमें क्या होता है, रूल्स क्लियर किए होते हैं। अगर आपने सिंपली प्रोसीजर को समझना है तो इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूज़ के केस में जो आपका यूज़र है वो आपको आसानी से समझा पाता है, ठीक है, कि वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू हो सकता है आपने सभी का लेना हो या थोड़ो बंदा का लेना हो। उसके बाद इंटरव्यू ऐसा भी होता है कि आपने कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन कर रखे हो या आपने ओपन एंडेड कर रखे हो, कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछते रहोगे, ठीक है। अब कई बंदे क्या होते हैं कि वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते, ठीक है, दूसरा उनको क्या लगता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो आपने पूछना है हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको लिख के दे देंगे। तो इसमें भी बहुत सारी जो है आपके आगे डिटेल्स हैं, वो हम आगे फर्दर जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो इंटरव्यूअर है वो क्या करता है, इंटरव्यूअर यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो और यूज़र जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है वो आपको इंटरव्यू सारा का सारा देगा। आपने अब इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम को इन्वेस्टिगेट कर लिया, डॉक्यूमेंट के थ्रू भी, इंटरव्यू के थ्रू भी, अब जाओगे आप ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब क्या होता है, आपको जो कहानी उन्होंने बतानी थी वो बता दी, जो आपने पढ़नी थी पढ़ ली, अब वो ग्राउंड में भी वो पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ होता है कि जो वो बोल रहे हैं क्या वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करते भी हैं या नहीं है, या उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑन साइड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपको किसी, जैसे हम बोलते हैं कि द ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, मतलब सिर्फ जो जूता पहनता है उसको पता है कि कहाँ पे चोट लग रही है। तो ऐसे ही क्या है कि जब आप उस सिस्टम में खुद चले जाते हो, घुस जाते हो, तब आपको उस सिस्टम के बारे में पूरा पता चल जाता है और आपको जो है उसके लूप होल से उसकी प्रॉब्लम्स जो है और अच्छी तरह समझ आती हैं। तो उसे हम बोलते हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस। तो आप ऑन साइट, ऑन साइट, साइट मतलब जहाँ का आपने काम करना, ऑन आप वहाँ पर चले जाते हो, वहाँ पर जाके आप ऑब्जर्व करते हो। अब ऑन साइट में भी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो जैसे मैं यहाँ पे अभी स्टडी करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा आके मेरे को ऑब्जर्व करेगा तो हो सकता है मैं उतना कंफर्टेबल ना रहूँ, ठीक है। तो इसी तरह ऑन साइट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके बाद जिसको ऑन साइट भेजा जाता है उस बंदे को भी हमें एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, उसके वर्किंग आवर्स भी हो सकता है चेंज हो जाएँ। तो ऐसा कई कुछ जो है हम ऑन साइट में देख सकते हैं, एक्चुअल में इन्वायरमेंट कैसा है। हम बोलते हैं कि ये जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया कि सबसे पहले आपका ये वाला लेवल है, फिर सेकंड लेवल है, फिर थर्ड लेवल है, तो ये इसी लेवल में बात करेंगे, या हो सकता है वो एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट होता ही ना हो, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका कोऑर्डिनेशन हो और उनका लेवल वाला सिस्टम ही वहाँ पर ना हो। तो एक्चुअल में इन्वायरमेंट क्या है, उनका वर्कलोड क्या है, वो कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं काम करने के लिए, या वो कौन सी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइडेड हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑन साइट भी जाके मिल जाती हैं। तो ये हमने तीन स्टेप सिर्फ आज डिस्कस किए हैं SDLC के। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि आप मेनली क्या करते हो, आप इसमें आपने मेनली ध्यान कर रखना है कि यूज़र, पहला स्टेप है यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है और आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और आप उसको लिख के दे देते हो, ठीक है। उसके बाद हमें फिजिबिलिटी एनालिसिस करनी होती है, वो हम करके यूज़र को देते हैं कि हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हैं और वेरियस अल्टरनेटिव उनको बता देते हैं, साथ के साथ हमें फिजिबल सोल्यूशन भी उसको बता देते हैं। सोल्यूशन हम उसे वो बताते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके, डेवलपमेंट भी उसकी हो सके और उसमें जो जो रिस्क है वो भी हम उनको बता देते हैं। उसके साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी भी बताते हैं कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है या उनका कॉमन बिहेवियर है वो कहीं चेंजेस तो नहीं हो रही। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम ये बताते हैं कि जितना उनको, उन्होंने पैसा लगाया उसके बिहाफ पे उनको क्या फ़ायदा होगा।
टेक्निकल फिजिबिलिटी में उनको जो हमने इंप्लीमेंट करना है, तो कंप्यूटर सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की या इंटरनेट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम उनको बता देते हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में जब तक सॉफ्टवेयर बनेगा तब तक उनका काम कैसे चलेगा, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होगा तब उनका काम कैसे चलेगा, और इंस्टॉलेशन के बाद कैसे काम चलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम उनको बता देते हैं। लीगल फिजिबिलिटी में हम ये बताते हैं कि जो आपका सिस्टम बना रहे हो वो लीगली सब लॉज को फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं वो किसी लॉज को ही जो फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद हम उनको शेड्यूल फिजिबिलिटी बताते हैं। अब जो ये सारी फिजिबिलिटी जब हम बता देते हैं तो यूज़र डिसीजन मेकर नहीं होता कि हमें सॉफ्टवेयर बनवा सकता है या नहीं बनवा सकता, वो क्या करता है फर्दर अपनी मैनेजमेंट को देता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, प्रॉब्लम का ओवरव्यू देखती है, उनके फिजिबल सॉल्यूशंस को देख लेती है, और लास्ट में वो देखती है कि हमें ये एग्जीक्यूट करवाना है या नहीं करवाना है। जब हमें ये डिसीजन मिल जाता है कि हमने वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस टाइम पे अब हमारे लिए ये सिस्टम को जो बनाना है वो हमारे लिए क्या बन गया, एक प्रोजेक्ट बन गया। तो हमें प्रोजेक्ट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें प्रोजेक्ट का साइज़ पता होना चाहिए, हमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो हमें पूरे डिटेल में फर्दर करना चाहिए। तो उसके लिए हम जो है कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या तो हम सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम मेनली ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट और ऑपरेशंस को देखते हैं, या हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, हो सकता है हम सिलेक्टेड बंदों से कराएं, हो सकता है हम सारे से कराएं। हम उनको पहले बता देते हैं कि हम इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और लास्ट में जो होता है हम ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ताकि वहाँ पे जाके हमें एक्चुअल उनका एनवायरनमेंट, वर्कलोड, काम करने का तरीका, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या मेथड्स फॉलो करते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम वो देखते हैं। सो आई होप दीज थ्री स्टेप्स ऑफ SDLC आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।